गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, अ स्क्वायर ऑफ 40 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन HP एंड इट्स साइड इंक्लाइन टू BP। क्लियर, विच इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू HP एंड 50 डिग्री इंक्लाइन टू BP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। क्लियर, आपका क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है मतलब एक वर्ग है जिसकी आपको साइड दी है मतलब भुजाएं दी हुई है 40 mm की, और उसके साथ साथ जो रेस्ट कर रहा है कहां पर कर रहा है, HP पर कर रहा है, और जो HP पर रेस्ट कर रहा है उसके साथ साथ जो आपका स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्लाइंड BP पर। ठीक है ना, मतलब आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि ये रखा कैसा है। ठीक है ना, क्योंकि दो तरीके से आप रख सकते हो, मैंने आपको बताया था जैसे हेक्सागोनल पेंटागोनल का बताया था मैंने, वैसे आपका स्क्वायर का होगा, एक तो रखने का ये है कि आप इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है ना, दूसरा रखने का ये है कि आप इस प्रकार से रख सकते हो। अब रखना कैसे है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे पहले आपको यही देखना है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद 30 डिग्री इंक्लाइन है किस पर, HP पर, एंड 50 डिग्री इंक्लाइन है BP पर। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रखना कैसे है आपको, तो हमारा ये है क्वाड्रेंट और ये रहा हमारा स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा क्वाड्रेंट प्लेन, ठीक है ना। अब मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि ये है आपका HP प्लेन और ये है आपका BP प्लेन। क्लियर है ना, अब देखो, अब बोला जा रहा है स्क्वायर रेस्टिंग ऑन HP, मतलब ये जो आपका स्क्वायर है, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये इस पर तो रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अब ये कर कैसा रहा है रेस्ट, वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर देखो हम इस प्रकार से अगर इसको रखते हैं, मतलब हम इस प्रकार से इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से रखा जाएगा, जो साइड हो जाएगी पैरेलल, देखो इसके पैरेलल है कि नहीं, ये वाली साइड है ना, ए वाली साइड इसके पैरेलल है और अपोजिट साइड भी इसके पैरेलल हो, किसके BP की, तो आपको रखना कैसा, इस प्रकार से देखो, अगर हम इसको इस प्रकार आगे ले जाते तो ये टच होता है और जो साइड है वो कैसी इंक्लाइंड है ना, मतलब कोई भी एंगल पे झुकी होंगी ये दोनों साइड, अगर मैं इसको टच करूं, मतलब इसका जो कॉर्नर इस वाले स्क्वायर का, इस स्क्वायर का कॉर्नर वो कहां टच है, इस पर टच है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी साइड इंक्लाइंड हो जाएगी किस पर, BP पर, और रेस्ट HP पर है। तो बनेगा कैसा, अगर हम इस प्रकार के ऐसा रखते हैं और इस प्रकार से इसको मूव करते हैं तो आपका जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, मतलब ए वाला बनेगा, ठीक है ना, अगर पैरेलल साइड होता तो ए वाला बनता, इंक्लाइन साइड है मतलब देखो ये दिख रहा है आपको, है ना, यहां से यहां इस प्रकार से ये दिख रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका इस प्रकार से रखना है आपको। क्लियर, अब मैं करा रहा हूं इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान है, अब तो मैं शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों से बन रहा होगा आपको, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं रहता है, बस डिफिकल्टीज क्या होती है कि आपसे रखते बनना चाहिए ना, मतलब उस डायग्राम को उठाते हुए नेक्स्ट वाले स्टेज पे आपको बनना चाहिए रखते, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन, ये आपकी रेफरेंस, क्लियर, कहाँ है रेस्ट कर रहा है, HP पर, वो मैंने बताया था, अगर HP पर रेस्ट कर रहा है तो कहां से बनाओगे आप, रेफरेंस लाइन के नीचे से, है ना, तो रेफरेंस लाइन के नीचे से बनाओगे, सिर्फ बनाने का तरीका ये है मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या करोगे 45 का एंगल लोगे, कितने का, 45 का, ठीक है, 45 का एंगल लोगे, बनाने का तरीका है, ठीक है, अभी मत पूछना क्यों लिया, इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपकी जो साइड होती है ना वो दोनों साइड से इंक्लाइन होती है 45 से, ठीक है ना, अब आपको क्या करना है 40 mm चाहिए, है ना, तो 40 mm का आप डिस्टेंस लोगे और यहाँ कहीं रख दोगे, ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने, मतलब एक ही रख दिया, एक ही रख दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 40 है, क्लियर, अब आपको पता है कि जो एंगल होते हैं साइड के वो कितने के होते हैं, 90 के, तो यहाँ से सीधा 90 के एंगल बनाओगे, ठीक है ना, और यहाँ से सीधा 90 का बनाओगे, ठीक है, बना दोगे, और यहाँ पर भी सीधा आप 90 का बना दोगे, ठीक है ना, मतलब ये सब चारों कितने कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, अब आपको क्या करना है, यहां से नंबरिंग दे रहा हूं मैं, ये ए है, सॉरी स्मॉल में दे रहा हूं, ठीक है, ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी, ठीक है, ए बी सी डी, है ना, अब देखो, अब इसका प्रोजेक्शन हम करेंगे ऊपर साइड, इसका ये दोनों हमेशा सेम आएंगे याद रखना, ठीक है ना, इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा आपका,
यहां से यहां तक हो जाएगा आपका क्या फ्रंट व्यू, मतलब हो जाएगा ए डैश, देखो ए हो जाएगा आपका बी डैश, और यहीं पर आपका डी बी आ रहा है ना, डी डैश ये आपका सी डैश के लिए, ये हो गया आपका पूरा एक्शन। तो अर्थ क्या करना है, एक टॉप व्यू फ्रंट व्यू और नीचे वाला टॉप व्यू, क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है 30 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, है ना, एचपी पर 30 डिग्री इंक्लाइन है एचपी पर, तो क्या करेंगे हम 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे एचपी पर, तो 30 डिग्री एचपी मतलब ऊपर ए 30 का एंगल लिया। अब क्या करना है, इस पूरी वाले फ्रंट व्यू को उठा के कहां रखना है, इधर रखना, ठीक है ना। तो अपन मेजर करते हैं ए डैश से लेके बी डैश डी डैश तक का डिस्टेंस, ए डैश बी डैश डी डैश का डिस्टेंस लिया, यहां से यहां पर रखा, हो गया, नाम दे दिया ए डैश बी डैश डी डैश। अब बी डैश डी डैश से लेके सी डैश का डिस्टेंस ये वाला लिया, ठीक है ना, ये वाला, और यहां से जाके यहां रख दिया, ये आपका सी डैश हो गया। अब कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करो नीचे, ठीक है, हो गए, और यहां से करोगे इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ, ये दोनों सेम आएंगे, याद रखना, ठीक है ना, और ये अलग से हो गया, शायद नीचे का दिख रहा हो गया ना, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, ये तो लाइन ड्रॉ कर दी, अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, देखो ए डैश है और यहां पर ए दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए, ए बी डैश वाली लाइन है, यहां पर ए बी बी वाली लाइन है, यहां हो जाएगा बी, ये आपकी सी वाली लाइन है, यहां पर सी वाली लाइन हो जाएगा आपका सी, ए वाली बी डैश वाली लाइन है, नीचे सबसे नीचे आपका डी वाली लाइन है, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका डी, मतलब इनको अगर आप मिलाओगे चारों को तो आपका बन जाएगा क्या, इस प्रकार से, हो गया। अब क्या करना है आपको, 50 डिग्री इंक्लाइन टू बीपी, तो क्या करोगे 50 का एंगल लोगे, ये ले लिया। अब क्या करना है, देखो इसमें पार्टिकल को कहा तो नहीं है कि डायगोनल को रखना है, किसको रखना है ना, तो आप क्या करोगे, इस वाले डायगोनल भी रख सकते हो, एसी वाले भी रख सकते हो, अगर इसमें साफ साफ लिखा होता कि आपको एसी वाले डायगोनल को रखना है या बीडी को उठा के रखना है, तो आपको वो करना पड़ता, ठीक है, हालांकि इसमें दिया नहीं, तो हम क्या करते हैं एसी को उठा के रखते हैं, किसको, एसी को, या सबसे बेस्ट आप बीडी को रखो, किसको रखो, बीडी को, बीडी को उठाओ, मतलब बीडी को मेजर करो और जाके यहां रखो, ठीक है ना, ये आ गया, ए बी है, ये आपका डी है, ये आपका क्या था बी, ए आपका डी, क्लियर। अब देखो जो बी है और डी है, इससे जो सी है वो किस लाइन पर आ रहा है, इस सेंटर वाली लाइन पर आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, ए वाली लाइन दिख रही है, इस पर आ रहा है, देखो, तो क्या करोगे आप, बी से इस लाइन को मेजर करोगे और बी पर जाओगे, यहां पर यहां एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है, यहां इसको मेजर किया, यहां जाके यहां रखा, यहां आ रहा है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार, और जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं लंबी पथ होनी चाहिए किसकी, इस वाली की, है ना, जो इंक्लाइन है 50 डिग्री का, ये हो गया, बस हमारा काम हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब क्या करोगे, अब देखो इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से सी कितनी दूरी पर, सी कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक है कि नहीं, तो यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां, मतलब इसको मेजर करोगे उठा के यहां रखोगे, इस वाले को मेजर करोगे उठा के यहां रख दोगे, ठीक है, मतलब यहां ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा सी, इन सबको मिला दोगे, ठीक है, तो ये बन गया आपका रॉन्ग, मतलब जो इसका डायग्राम है पूरा सेम टू सेम बनेगा जैसा ये। अब क्या करना, प्रोजेक्शन करना, तो ऊपर साइड करोगे, है ना, क्लियर, और इसका करोगे ये, है ना। अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखना, इंटरसेक्शन पॉइंट हम मिलाते हैं, ए ए डैश वाली लाइन है और ए वाली लाइन नहीं जा रही, ये हो जाएगा आपका ए डैश, है ना, ए बी डैश वाली लाइन है और बी वाली लाइन कहां है, देखो ये जा रही है, ये हो जाएगा आपका बी डैश, सी डैश वाली लाइन नहीं है और सी वाली लाइन कहां, ये हो जाएगा आपका सी डैश, डी वाली लाइन डी डैश वाली लाइन नहीं है और डी वाली लाइन देखो ये अंदर है, ये हो जाएगा आपका डी डैश, इन सबको मिला दोगे तो आपकी इमेज बनेगी इस प्रकार से, क्लियर। तो ए रहा आपका ओरिजिनल डायग्राम, क्लियर। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊंगा वो करूंगा मैं सॉलिड का, आपका प्लेन हो चुका है, अब प्लेन आप बना लेना, ठीक है, ये आपका काम, चारों क्वेश्चन मैंने कराए हैं, चारों क्वेश्चन आपके सीट में होना चाहिए, ठीक है ना, और जो लाइन का सिक्स केस था ना, ठीक है, इंक्लाइन टू बोथ प्लेन,
उसके जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो आपके एक शीट पर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला पूरे चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मैं सेट स्क्वायर भी आप बना सकते हो जो मैंने बताया था, ठीक है, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने चार क्वेश्चन करा दिए, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, सर्किल और स्क्वायर के, ठीक है। आप बचे दो, तो आपका क्या रेक्टेंगल ही बचा है और क्या बचा आपका सेट स्क्वायर बचा है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें से आप देख लेना, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी होंगे, उसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया होगा, क्लियर, थैंक यू।